हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मास्टर कॉस्मो में। आज हम देखने जा रहे हैं मेरे द्वारा बना हुआ प्रोजेक्टर। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे घर पे ही बनाया जा सकता है। और ये जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं, इसे मैंने घर में ही बनाया है, यह मेरे द्वारा ही निर्मित है और इसे बनाना बहुत ही सरल है। मात्र 20 रुपये में या 25 रुपये में आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मैंने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। सो ये रही मेरी प्रोजेक्ट फाइल, और आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिखा भी है कि हमारा जो गोल ऑब्जेक्ट या जो एम है वो सिंपल सा था कि हमें एक इनलार्ज्ड इमेज एक ऑब्जेक्ट की प्रोड्यूस करनी थी कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके। कॉन्वेक्स लेंस को कई लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते होंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा जो 8th क्लास या 9th क्लास में, वो 10th क्लास में पढ़ लेंगे लाइट चैप्टर के अंदर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को देखें कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसका एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट C1 या F1 के बीच में रहे, C1 हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं और F1 फोकस वन को कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पहले रहता है, बिफोर रहता है, ऑब्जेक्ट के नहीं लेंस के बिफोर रहता है। तो यदि हम उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखें C1 और F1 के बिटवीन में, तो जो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड C2 बनती है। बियॉन्ड C2 मतलब कि एक इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 जो हमारे लेंस के आफ्टर में होता है। ये देखिए, ये है C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, एंड ये है C1। तो हमने इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, और जब लाइट बीम ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो यहाँ से पास करके सीधा स्ट्रेट जाती है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। एंड जब वो स्ट्रेट जाती है तो लेंस पर टकराने के बाद फिर वो डाइवर्ज हो जाती है फोकस से होते हुए, और जब ये दोनों मीट होती है बियॉन्ड सी वे, तो ये एक इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसे एक पॉइंट साइज बताया, पर ये पॉइंट साइज नहीं होती है, ये बहुत ही इस पॉइंट साइज के बाद ये एक बड़ी सी इनलार्ज इमेज बन जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज करा है। अब देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्टर किस प्रकार से काम कर रहा है। तो चलिए, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है प्रोजेक्टर। अभी तो ये एक पॉइंट साइज इमेज बना रहा है, पर जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे करते जाएंगे, तो हमारी जो इमेज है वह इनलार्ज्ड और हाईली इनलार्ज्ड बनती जाएगी। तो अभी मैंने इसे फिलहाल बंद कर दिया है, इसे पीछे खींचना या बैकवर्ड करना। अभी आप देख सकते हैं कि इमेज बन चुकी है हमारी यहाँ पे, तो मैं इतनी ही इसे रहने दूंगा लार्ज। ये तो रही हमारी इमेज। अब इसको थोड़ा और साफ देखते हैं, तो मैं इसलिए लाइट ऑफ कर देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि ये कितना क्लियर बन रहा है, और इतने से हमारे जो प्रोजेक्टर है उसने कितना अच्छा काम करा है। गाइस, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे अभी थोड़ी आप लोग को ब्लर दिख रही होगी, और शायद मेरा प्रोजेक्टर भी छुप गया होगा क्योंकि लाइट मैंने ऑफ कर दी है। गाइस, आप भी ट्राई करिए, इसे घर पे बनाइए, ये बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो ओके, आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।